अब हम अपने सूप की तैयारी कर रहे हैं। ये स्टॉक जो हमने बनाया था, इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन और नमक डाल के मैंने चिकन का ये स्टॉक निकाल लिया था। चिकन मैंने स्ट्रेट कर लिए, दो अंडे लिए हैं इनको फेंट लिया, कॉर्नफ्लावर लिया है पानी में इसको घोल लिया है, ये 3 चम्मच है, क्वार्टर कप सिरका, क्वार्टर कप से थोड़ा ज़्यादा और हाफ कप से कम सोया सॉस, काली मिर्ची, नमक। अब ये जब गर्म हो जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं हरी मिर्ची के साथ बनाती हूँ तो हरी मिर्ची की तेज़ी है, उसी लिहाज से फिर हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे। नमक मैंने पहले भी शामिल किया था और सोया सॉस में भी नमक है, उसी हिसाब से हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। सिरका, सोया सॉस, ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा बचा लिया है, मैं इसको चखूंगी पहले और उसके बाद अगर मुझे ऐड करना होगा तो मैं मज़ीद ऐड करूँगा। अभी हमारी 3 चीज़ें रह गई हैं जो कि इसके अंदर डल, ये देखिए सूप गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर अंडे शामिल कर रहे हैं इस तरह धार डाल के, ये खुद ही पक जाएंगे गर्म सूप के अंदर इस तरह। ये देखिए तैयार हो गए अंडे, पक गए हैं, अब इतन शेड हुई भी। अब फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे ताकि हमारा सूप अच्छे से गाढ़ा हो जाए। देखिए कॉर्नफ्लावर डालते हुए आप हिलाइए ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने और वो अच्छे तरीके से सारी जगह पे पहुंच जाए और अच्छा सा हमारा सूप गाढ़ा हो जाए। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। बेहतरीन सा हमारा मेन्यू तैयार हो गया है, चिकन कॉर्न सूप, फ्राइड राइस और जलफरेजी। कॉर्न सूप के साथ जो चीज़ें जाएंगी वो ये है चिली सॉस जो कि होममेड है, ये मैंने बनाया है घर में। जब मैं चटनी स्पेशल करूँगी इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी। सोया सॉस है और सिरका है, ठीक है, आप ये अपने घर में ज़रूर बनाइए, बहुत मज़े का लगेगा, आपकी फैमिली को, आपके मेहमानों को, गेस्ट को खिलाइए, खुद खाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं और नई रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, ये तमाम चीज़ें मैं आपको अपने स्टाइल से बनाना बताऊँगी, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट अच्छे अच्छे दीजिए ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो तो मैं मज़ीद और अच्छा काम करूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।